हेलो एवरीवन, इसके पहले के वीडियोस में हमने तीन स्टेप समझे वाइल सिलेक्टिंग एन इन म्यूचुअल फंड स्कीम। वो है सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेटअप, उसके बाद एसेट सिलेक्शन, तीसरा टाइम होराइजन। अब चौथे स्टेप पे आता है, वो है कोर पोर्टफोलियो एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। अब ये कोर पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है? कोर पोर्टफोलियो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो में जा रहे हैं, जबकि जब आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू रहता है, यानी कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, डाइवर्सिफाई फंड्स हो गए, ये सब जो ऑप्शंस है वो कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है। आपके फंड्स का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, कह सकते हैं मेजॉरिटी पार्ट, 65-70% आपका कोर पोर्टफोलियो कहा जाता है, और 30% जिसमें आपको पीरियोडिक इनकम जनरेशन हो रहा है उसे कहते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो। पीरियोडिक इनकम जनरेशन के लिए या तो एक सेक्टर वाइज आपको फंड में इन्वेस्ट करना है, सेक्टर वाइज सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स में आपका फंड्स इन्वेस्ट होता है, या फिर एक पर्टिकुलर डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट होता है जिसमें पीरियोडिक इनकम जनरेशन होते रहे। तो कभी भी आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जैक्टली पहले समझिए कि कोर पोर्टफोलियो कितना है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो कितना है। ये दो का डिफरेंस पहले समझिए, एसेस कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आने वाले वीडियोस में और एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। थैंक यू।